हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। जो ऑलरेडी 7 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स टू जोन 8-2 हम डिस्कस करेंगे जोन 15 तक। ओके, आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, मतलब 1.25x 1.5x ऐसे कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। हम जोन 8 से शुरू करेंगे और हमारे प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, मेंस के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो अच्छा खासा आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्वालिटी कंटेंट। आप लिमिटेड टाइम में कैसे इतना सारा चीज़ लिखेंगे। जोन 15, ओके 15 जोन है। सो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आंसर राइटिंग आप लिमिटेड टाइम में कर पाएंगे, उसी सारे चीज़ पर हम फोकस करेंगे। जोन एट सेंट्रल प्लेटू रीजन, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। मिडिल अगर आएगा तो इसी यूपी बिहार ये रीजन पे आप देखेंगे, फोकस करेंगे। अगर सेंट्रल टर्म आता है, सेंट्रल प्लेट्यू, तो आप फोकस करेंगे एमपी। ओके, तो एमपी रीजन पे, और गुजरात का कुछ पोर्शन भी आएगा, छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन भी आएगा, यूपी का कुछ पोर्शन भी आएगा, ये सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स रीजन पे ना बहुत सारे स्टेट कवर करेगा। ऐसे नहीं सिर्फ एमपी में आप अटकेंगे, माइंड में आप रखेंगे, इंडियन मैप को आप माइंड में रखेंगे, एमपी आता है सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स पे। पर लिखते टाइम कुछ तो ऐड करेंगे आप, क्योंकि एक जोन जो है ना वो एक्सटेंड होता है 2-3 स्टेट में। जोन 8 सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स रीजन, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ। तो क्या है, 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, मतलब रेनफॉल ठीक ठाक है, कम नहीं है ज़्यादा नहीं है। सॉइल्स आपको मिलेगा रेड कलर, येलो कलर। मिलेट्स होता है ग्राम, बार्ली, व्हीट, कटन। व्हीट तो पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीट होता है, सनफ्लावर भी बहुत होता है। ओके, वाटर रिसोर्स थोड़ा सा कम है उस सेंट्रल रीजन पे। देन जोन 9 की बात करते हैं। जोन 9 वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन। वेस्टर्न प्लेट्यू जिसका मतलब ये जो महाराष्ट्र एरिया है, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात भी लिख सकते हैं, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना भी लिख सकते हैं, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका भी लिख सकते हैं। जोन 9 दैट इज वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। क्या है महाराष्ट्र में अगर पूछेगा तो क्या होगा? महाराष्ट्र में ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, पता है ना, वहाँ पे ऑरेंज का एक है ना जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंज, ग्रेप्स, बनानास ये सब प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। हाँ, ये तो आप लिखेंगे फिर 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर होता है। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन पे रेनफॉल थोड़ा सा कम है। ओके, थोड़ा सा नहीं, अलग बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली। डेजर्ट में इससे कम होगा, पर डेजर्ट से ज़्यादा है पर बहुत कम है। देन टेम्परेचर तो ठीक ठाक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ठीक ठाक है। नेट सोन एरिया 65% है, फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज ओनली 11%। यहाँ पे फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत बुरी चीज़ है इसका, वेस्टर्न प्लेट्यू हिली रीजन पे। और इरिगेशन यहाँ पे चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, इरिगेशन चाहिए क्योंकि रेनफॉल कम है। इरिगेशन नहीं करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, पर इरिगेशन देखिए ओनली 12% इरिगेशन होता है और बाकी नहीं होता है, इसलिए तो इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। रेनफॉल कम है, इरिगेशन की ज़रूरत है, बट इरिगेशन नहीं हो पा रहा है ओनली 12%। जोवार, कटन, सुगर केन, राइस, बाजरा, बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। और अगर इसका बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, ऑरेंज ग्रेप्स बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट जोन टेन सदर्न प्लेट्यू हिल्स आएगा। सदर्न रीजन मतलब सदर्न तो आएगा, आपको पता है आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तो सदर्न में आता है। देखेंगे वहाँ पे क्या क्या होता है। जनरली ये जो सदर्न है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें प्लांटेशन क्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कॉफ़ी, टी, कार्डामम, स्पाइसेस। ओके, एक एक करके देखेंगे। पहले टेम्परेचर देख लीजिए, लगभग सेम है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। रेनफॉल एवरेज ठीक है, हाँ, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्योंकि एक ही क्रॉप करते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉप ही करते हैं, इसलिए लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। 81% ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। क्लाइमेट इज सेमी एरिड विथ ओनली 50% ऑफ एरिया इज कल्टिवेटेड एंड 81% ड्राई लैंड फार्मिंग। देखिए रेनफॉल ठीक ठाक है पर स्टिल कम है,
एवरेज एनुअल रेनफॉल हमारे इंडिया से तो कम है, और ड्राई लैंड फार्मिंग यहाँ पे प्रैक्टाइज करते हैं, इसीलिए तो प्लांटेशन क्रॉप करते हैं, नहीं तो राइस, मेज, जूट ये तो कल्टिवेट होता होगा ना? नहीं, राइस, जूट ये सब होता है ईस्टर्न रीजन पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल कम है, इसीलिए ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, ओके। देन इस स्क्रीन को भी आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप स्क्रीन से एडजस्ट कर लीजिए, बड़ा या छोटा भी आप कर सकते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, ये जो आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु रीजन पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, कॉफ़ी ट्री, कड़ामम, और ये बहुत लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, कॉफ़ी टी। जोन 10 ख़त्म। देन जोन 11, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन, ओके। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट टर्म आएगा तो ऑब्वियसली ईस्ट कोस्ट मतलब उड़ीसा का रीजन आएगा, इसमें मैप की ज़रूरत नहीं है, ईस्ट कोस्ट उड़ीसा, दैट वेस्ट बंगाल, देन कम्स टू आंध्र प्रदेश, ये सब रीजन आएगा। कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, रेनफॉल अच्छा खासा होता है, ओके। टेम्परेचर रेनफॉल सबसे अच्छा होता है कोस्टल रीजन में। प्रॉब्लम होता है सॉयल में, थोड़ा सा सलाइन सॉयल, अल्काइन सॉयल मिल जाता है कोस्टल रीजन पर, नहीं तो सब ठीक है। राइस यहाँ पे कल्टिवेट ज़्यादा होता है, मैंने जस्ट आपको बताया कि ईस्टर्न रीजन पे, उड़ीसा, आंध्र रीजन पे राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइस कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। देन ग्राउंड नट प्रोडक्शन भी होता है, राइस, जूट, टबाको, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ग्राउंड नट भी प्रोडक्शन होता है। जोन 12, दैट इज वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मतलब कहाँ पे वेस्ट कोस्ट आएगा? वेस्ट कोस्ट मतलब जो गोवा वाला रीजन है, कोंकण कोस्ट होगा, उसके नीचे जो कर्नाटका कोस्ट होगा, उसके नीचे जो केरला में मालाबार कोस्ट होगा, ये सब ज्योग्राफी में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो ये रीजन पे क्या होता है, मोर, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, अबव 200 सेंटीमीटर, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लैटराइट सॉइल आपको मिलेगा, राइस, कोकोनट, ऑयल सीड, सुगर केन, ये सब मेन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप भी यहाँ पे प्रैक्टाइज करते हैं। देन गुजरात प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स मतलब गुजरात में आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, एवरेज अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम रेनफॉल होता है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, रेगुर सॉइल यहाँ पे मिलता है, जो गुजरात प्लेन्स है रेगुर सॉइल वहाँ पे मिलेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल, वो पता है ना, वो जो जब लार्वा निकला तो वो उस टाइम के जब यूरेशिया प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इंडियन प्लेट जब टकराया, ओके, तभी जो लार्वा का पोर्शन था सब, तभी लार्वा बहुत एक्टिव था, उसी एक्टिव लार्वा का जो निकला था इग्नियस रॉक, वो सब वहाँ पे ट्रैप हो गया, इसलिए उसको डेकान ट्रैप बोलेंगे ना, इसलिए तो रेगुर सॉइल मिलता है वहाँ पे, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, ओके। तो ये कॉटन के लिए, सुगार केन के लिए अच्छा है, इसलिए कॉटन, सुगार केन नहीं लिखा है क्या? हाँ, सुगार केन आप ऐड कर लीजिए, कॉटन, सुगार केन, ग्राउंड नट, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऑयल सीड भी होता है गुजरात रीजन पे, सूरत बहुत ज़्यादा जूट, जूट तो नहीं, कॉटन प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज है सूरत में। जोन 14, दैट इज वेस्टर्न ड्राई रीजन। वेस्टर्न ड्राई रीजन मतलब आप याद करेंगे डेजर्ट, डेजर्ट एरिया, जो राजस्थान में डेजर्ट है वो है वेस्टर्न ड्राई रीजन, हॉट सैंडी डेजर्ट, एनुअल रेनफॉल देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से भी कम, बहुत ही ज़्यादा कम, और डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाता है और बहुत ज़्यादा लो जाता है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, 45 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं और 5 डिग्री सेल्सियस का देख सकते हैं। ग्राउंड वाटर बहुत ही डीप में आपको मिलेगा ओब्वियसली, फेमाइन, ड्रॉट, यह तो बहुत ही कॉमन फीचर वहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया नॉर्थ ईस्ट में है ना, उसी की वजह से हमारे फॉरेस्ट, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया 21% है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया देख सकते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन पे ओनली 1.2% है। कल्टिवेबल वेस्टलैंड, जो कल्टिवेबल वेस्टलैंड है मतलब वो तो अभी वेस्टलैंड है पर उसको हम कल्टिवेबल कर सकते हैं, वो अराउंड 42% है, मतलब टोटल एरिया का 42% ओनली कल्टिवेबल वेस्टलैंड है। नेट इरिगेटेड एरिया बहुत ही कम, ये याद रखना जरूरी नहीं है। बाजरा, ज्वार बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे तो राइस नहीं होगा ना, क्योंकि रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप राइस पे कैसे लिखेंगे, बाजरा, ज्वार, और यहाँ पे पैश्चर प्रोडक्शन होता है, लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं लोग, व्हीट ग्राम को भी प्रोडक्शन करते हैं,
अगर रबी क्रॉप देखेंगे तो व्हीट ग्राम, बाजरा ज्वार ये खरीफ में आता है, लाइव स्टॉक तो आएगा। देन लास्ट वन दैट इज़ द आइलैंड रीजन। आइलैंड रीजन मतलब ओब्वियसली अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब आएगा। वहाँ पे कोकोनट आप लिखेंगे पहली तो कोकोनट। हाँ, रेनफॉल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेस देन 300 सेंटीमीटर लिखा गया है, पर ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अगर इंडियन कंडीशन को देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हाई रेनफॉल। पोर्ट ब्लेयर का अगर टेम्परेचर देखें तो लगभग ठीक ठाक है, एवरेज ठीक है। सैंडी सॉयल आपको मिलेगा, सैंडी सॉयल में इसलिए कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है। क्ले लोम भी आपको मिलेगा, क्ले लोम में अरेकानट, ट्यूमेरिक, कासावा, ये सब भी होता है। राइस मेस थोड़ा बहुत होता है, पर कोकोनट, अरेकानट, ट्यूमेरिक, कासावा ये लिखेंगे। थिक फॉरेस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर भी मिलेगा। सो ये हमारा ख़त्म हो गया, टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा, यूपीएससी एग्रीकल्चर मेंस का। पहले पेपर वन का कंप्लीट होगा, फिर पेपर टू का कंप्लीट होगा। ओके, ऑलरेडी हम एग्रो इकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं पेपर वन का। अभी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।